देश में करीब 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। 18 मई से 31 मई तक देश में चौथे दौर का लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन इस लॉकडाउन में पहले 3 लॉकडाउन के मुकाबले काफी छूट दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन के दौरान काफी छूट दी गई और धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही। सरकार की बात नहीं है, पूरी दिल्ली 2 महीने के लॉकडाउन से, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया था और कोरोना को समझा है, कोरोना कैसे फैलता है उसके लिए तैयारी की है। अब दिल्ली धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी, लोग व्यापार करना चाहते हैं, लोग नौकरी पर वापस जाना चाहते हैं, लोग अपना काम करना चाहते हैं, तो उनको अवसर दिया गया है कि अनुशासन के साथ में कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो ज़रूरी है उसको बनाए रखते हुए वापस काम पे लौटें और अपने जिंदगी को पटरी पे लाएं, उसी से परिवार भी चलेंगे, उसी से इकोनॉमी भी चलेगी। सर, अगर वही बसेस वगैरह की बात करें तो बात हुई थी कि थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तो लेकिन बसेस में ये नज़र नहीं आ रहा है, तो सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, अभी कुछ बसें सड़क पे उतरी हैं और भी धीरे धीरे उतरेंगी। मार्शल्स भी लगाए जा रहे हैं, बस स्टॉप पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। लेकिन एकदम से मैं लोगों को भी कहूँगा कि बहुत ज़रूरी स्थिति में ही घर से निकलें, वरना कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब लॉकडाउन खुल गया तो कोरोना का खतरा चला गया है। आप अननेसेसरी जाके बस स्टॉप पे खड़े होंगे, आप अननेसेसरी बस में घूमने जाएंगे, या जिस काम के लिए बिना जाए काम चल सकता है उसके लिए आप जाएंगे, तो आप अपने लिए परेशानी खड़े कर रहे होंगे और दूसरों के लिए। प्रवासियों को उनके घर भेजने के सवाल पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 65,000 प्रवासियों को ट्रेनों द्वारा उनके गृह राज्यों में भेजा गया। हम दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजने के लिए विभिन्न राज्यों से अनुमति मांग रहे हैं। अभी करीब 65,000 लोगों को अलग अलग ट्रेन्स में अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेजा जा चुका है। उसके अलावा अभी भी और बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़ाना ट्रेन्स में भेजने के लिए उन राज्यों से अनुमति मांगी जा रही है, और जहाँ जहाँ से अनुमति मिलती जा रही है हम उन राज्यों में भेजते चले जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को इन स्पेशल ट्रेनों में जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए वेब पोर्टल epass.janatasamvad.org ट्रेन पैसेंजर पर बिना रजिस्ट्रेशन किसी को ट्रेन में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।